जा रही हूँ हैदराबादी बिरयानी। ये बनाना बहुत आसान है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है, आप भी एक बार जरूर ट्राई कीजिए। चलिए शुरू करती हूँ। अस्सलामुअलैकुम। आज जुमा का दिन है, आज मैं जा रही हूँ हैदराबादी बिरयानी बनाने। ये देखिए, ये सब मसाला है, 1.25 केजी गोश्त है, 1.25 केजी चावल है, 750 ग्राम प्याज है, आप देख सकते हैं। ये सब ग्राइंड में पीस लेना है। गर्म हो चुका है, तेल डाल रही हूँ, देखिए हो गया। ये इलायची लौंग सब डाल रही हूँ, प्याज फ्राई करने के लगा रही हूँ, गोश्त डाल दिया है, नमक डाल रही हूँ अपने अंदाज के मुताबिक। इसमें ज़्यादा प्याज ब्राउन नहीं होता है, हल्का सा रहता है, देखिए ब्राउन ज़्यादा नहीं हुआ है, क्योंकि ये मसाला है पिसा हुआ। थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च ले लिया है, थोड़ा सा हल्दी ले लिया है, मैं इसमें डाल रही हूँ। इसको धुल करके थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, देखिए देखिए इसको अच्छे से मसाला को मिक्स कर लिया है। ये दही है, 250 ग्राम दही है, दही डाल दें। पूरे दही को डाल देना है इसमें। देखिए अच्छे से मिक्स कर देना है दही को, इसमें मिक्स करके फिर प्रेशर कर चढ़ा देना है। देखिए गैस पर चढ़ा दिया है, फुल फ्लेम करके 5 से 6 सीटी लगेगा, फिर मैं इसे उतार दूंगी। अब देखिए हो चुका है गोश्त, गोश्त को हमने पका लिया है। देखिए फुल फ्लेम करके गैस को हमने इसको चढ़ा दिया है, इसको अच्छे तरीके से भून लेना है, भून के उतार देना है। देखिए ये धनिया है कटा हुआ, हरा धनिया है, ये हरी मिर्च है, मैं इसमें डाल के भुनाई करूंगी। ये तेजपत्ता है देखिए, और ये है गरम मसाला, अभी मैं इसको फ्राई करूंगी प्याज के साथ। गरम हो चुका है पतीला, देखिए रिफाइंड डाल रही हूँ, 2 कप रिफाइंड डालना है, 1 कप घी डालना है, मसाला भी डाल दी हूँ। देखिए ये मसाला फ्राई हो चुका है, अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। ये मसाला देखिए पानी में डाल रही हूँ, अपने अंदाज के मुताबिक पानी डाल दिया है। पानी में एक बार उबाल आ जाएगा, फिर मैं चावल को डाल दूंगी। अब मैं प्याज को ब्राउन कर रही हूँ, बिरयानी में डलाएगा। जब तक चावल ये पानी हो रहा है बॉयल, तब तक मैं प्याज को फ्राई कर लेती हूँ। ये प्याज ब्राउन हो चुका है, हमने इसको निकाल लिया है, प्याज को पानी उबल चुका है, अब हम चावल को डाल देते हैं। चावल को डाल दिया है, देखिए नमक डाल रही हूँ, अपने मुताबिक नमक को डालना है। चावल को हमने पहले से धुल कर रखा था, 1 घंटा पहले से धुल कर रखा था। देखिए अभी बचा हुआ रिफाइंड को मैं इसमें डाल रही हूँ, जो ब्राउन हुआ है मैं इसको डाल देती हूँ। देखिए ये गोश्त पक चुका है, इसमें मैं टोमेटो नहीं डाली हूँ, इसलिए कि मेरी बेटी का टोमेटो मना है, डॉक्टर मना किया है, अपने बेटी के लिए मैं गोश्त को निकाल देती हूँ। देखिए अब टोमेटो डाल रही हूँ, देखिए अब 2 मिनट तक इसको पकाना है टोमेटो डाल करके। घी डालना भूल गई थी, अब मैं घी डाल रही हूँ। ये गैस को हमने मीडियम फ्लेम पर कर दिया है, देखिए ऐसे ऐसे घुमाना है चावल को, ऐसे करके घुमा घुमा देना। देखिए अभी चावल हो चुका है, इसको मैं उतार दिया है। ये गोश्त देखिए, अब गोश्त को मैं भून रही हूँ, पानी को सुखा देना है, फिर हो जाए। देखिए इसमें कलर ले लिया है, कलर डाल दिया है, इसमें थोड़ा जल डाल रही हूँ, लेमन भी डाली हूँ आधा कट करके, इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। थोड़ा जल, कलर, लेमन। ये पतीला गर्म हो चुका है, पतीले को हमने चढ़ा दिया था, इसमें घी थोड़ा सा डाल रही हूँ। देखिए देखिए कलर मिला रही हूँ, ये डाल रही हूँ, ये बिरयानी मसाला है, देखिए ये डाल रही हूँ, इसमें कलर डाल देती हूँ, ये है कलर।
ये प्याज है, हमने ब्राउन किया था प्याज, ये डाल रही हूँ। प्याज, ये लेमन डाल रही हूँ। देखिए तो पीस काटा हुआ है छोटा छोटा बारीक बारीक। अभी हम गोश्त को डाल रहे हैं। देखिए कलर डाल रही हूँ, अच्छे से कलर को डाल देना है सब तरह। ये बिरयानी मसाला है, ये प्याज ब्राउन किया हुआ है, बिरयानी मसाला डाल दिया है, मैं गोश्त डाल रही हूँ। देखिए देखिए तहतह का लेयर लगा दिया है हमने। अब इसको ढक देती हूँ, फिर 2 मिनट बाद खोलती। देखिए बिरयानी रेडी हो चुका है, आप भी देखिए, आप भी ट्राई कीजिए, आप भी बनाइए। खाने के लायक हो गया है। अब मैं इसको निकाल रही हूँ, देखिए चावल टूटा भी नहीं है थोड़ा भी। आप एक बार ट्राई ज़रूर करना हैदराबादी बिरयानी का, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना।